जो पुरुषार्थ कर रहे हैं जो हमारी दिनचर्या बनी हुई है हां जी नेचुरल अमृत वेले उठ गए सुबह ही अमृत पेले योग किया परमात्मा की याद में स्थित हो गए फिर दिनचर्या के अनुसार महावाक्य सुने कर्मयोगी जीवन में आए हर कर्म जैसे दिनचर्या बनी हो उस अनुसार चल रहे हैं वो पुरुषार्थी हैं जी लेकिन एक लक्ष्य रखते हैं कि मुझे कोई भी इधर-उधर के संकल्प इधर-उधर के विचार आए उनको हम ब्रेक लगाएं हां जी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अपने बहते हुए संकल्पों को बीच बीच में कंट्रोल कर लेती हैं, रोक लेती हैं और रोक करके फिर अपने मंजिल की ओर संकल्पों को ले जाती जी ब्रेक देना और मोड़ लेना कोई भी स्पीड में जाने वाले के पास ये दोनों शक्तियों की जरूरत है तो जब तीव्र पुरुषार्थी शब्द हम कहते हैं हाँ तो अंदर की लगन रहती है कि मुझे क्या बनना है मेरा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के प्रमाण हमारे संकल्प बोल और कर्म होने चाहिए जी। तो जब लक्ष्य की स्मृति से हम पुरुषार्थ करते हैं हाँ तो तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हैं लेकिन कई बार दिखावे वाला होता है हाँ जी। हम बैठ गए यो, यो, योग में ऐसे ही सब देख रहे हैं क्या ये कर रहे हैं वास्तव में इसकी भी आवश्यकता नहीं है गुप्त पुरुषार्थी जो होते हैं वो अंदर ही अंदर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं सामने वाले कोई पता नहीं चलेगा जी। भले उसके वाइब्रेशन से शांति के प्यार के पवित्रता के प्रकंपन आते हैं चारों तरफ फैलते हैं लेकिन दिखावा नहीं करता गुप्त अभ्यास करता है तो एक तीव्र पुरुषार्थी है एक पुरुषार्थी है एक गुप्त पुरुषार्थी है हाँ जी। और दूसरे हैं जो चल रहे हैं ठीक है बन जाएंगे हो जाएगा कर लेंगे ये ढीले पुरुषार्थी है ठंडे जी तो जैसे उनके आगे कोई लक्ष्य ही नहीं है बाबा के बन गए ईश्वर ने हमको अपना बना लिया हम उसके मत पर तो चल ही रहे हैं उसके महावाक्य सुन ही रहे हैं एक उमंग उत्साह एक आगे बढ़ने की दूसरों को बढ़ाने की जो एक अंदर की लगन है उसमें कमी है उसको बाबा कह देते हैं ठंडा वैसे पहले हम समझेंगे कि ये जो बात कही कि निश्चय बुद्धि विजय तो मतलब विजय हमारे पीछे आती है निश्चय के आधार से इसको थोड़ा क्योंकि जब निश्चय है अपने में फेत है जी। कि मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है जी। और सर्वशक्तिवान पिता हमारे साथ है उसमें भी संपूर्ण निश्चय है साथ देने है तो कोई भी बात कैसी भी परीक्षा आएगी माया की उसमें विजय होनी ही है हां जी। तो जब इतना कोई निश्चय बुद्धि है तो विजय अपने आप होगी उसके संकल्प करने की भी जरूरत नहीं विजयी हूँ ही एक समान रहता है कि विजय तो मेरा अधिकार है निश्चय के आधार से विजय उसके पीछे पीछे है उसकी हार हो ही नहीं सकती जी 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 तो परमात्मा हम सबको यही अंडरलाइन कराते हैं कि निश्चय बुद्धि बन करके सदा चलो कि मैंने तो कल्प कल्प विजय प्राप्त की है माया पर जीत पाई है विकारों पर जीत पाई है और उस स्मृति के आधार से जब इतना ऊंचा समान रहेगा तो विजय तो आपके पीछे पीछे आएगी पर आगे चलकर परमात्मा कहते हैं कि हम विजयी बने इस संकल्प का भी वो त्याग कर लेते हैं क्योंकि निश्चय है ना विजयी बनने की बात क्या बने ही है जी, जी, जी. तो बार -बार नेचुरली हो जाए। हो जाएगा नेचुरल विजय है ही है ना हार हो ही नहीं सकती तो विजयी बनूंगा विजय हो ही जाएगी वो संकल्प रिवाइज करने की जरूरत और इसको ही परमात्मा कहते हैं कि सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी यही संकल्प जो नेगेटिव संकल्प है साधारण संकल्प है विजय होगी या नहीं होगी पता नहीं कौन से संस्कार कब इमर्ज हो जाएंगे ये कमजोर संस्कार कई बार आत्मा को पुरसार्थहीन बना देते हैं संकल्प आते रहते हैं पता नहीं उस व्यक्ति ने हार खा ली एक दूसरे को देखते हैं ना संगठन के बीच जी, में।, जी, जी, में वो इतना अच्छा पुरुषार्थी था उसके सामने माया आ गई उसके सामने ऐसी परीक्षा आ गई उसका देखो क्या हाल हो गया हम आपस में एक दूसरे की कमजोरियों को और उसकी गिरावट को उसके हिसाब किताब को देख करके खुद निराश हो जाते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं तो परमात्मा कहता है जो निश्चय बुद्धि हैं उनको ये संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है